हमारे गांव में राजीव गांधी महिला विकास परियोजना आई तो हम उसमें जुड़ गए। हमने सब बहनों 15 बहनों को हमने इकट्ठी करके जुड़ गए। हम मैंने पहले समूह में हुई, मैं जानती नहीं थी कैसी समूह कहलाती है। तो ये बहन सब बोलेंगे आप समूह में हो जाओ, मेरे पति नहीं होने देते कि नहीं तुम्हें समूह में नहीं होना है, क्या करोगी तुम समूह में हो के नहीं, हमें बाहर नहीं जाने देना है। सबने बोला कि हम होएंगे, सब बहनें बोली हमसे कि नहीं तुम चलो समूह में हो जाओ, हमारे लिखने के लाने कोई नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी इंटर के बाद, तो जब पहले तो इंटर ही पास किया था, लेकिन जब शादी हो गई तभी उसी बीच में समूह आ गया था 2008 में। तो जब से मैं समूह में जुड़ी, फिर जब उससे पैसे मिले तो मैंने फिर फर्स्ट ईयर की बीकॉम फर्स्ट ईयर कॉमर्स ही वो अपने मायके में फार्म डाल के मैंने किया था, और उसके बाद फिर सेकंड ईयर की, फिर इस साल अब फाइनल कर रही हूँ। 7,000 से सर मैंने 1,000 की मैंने दुकान डाली छोटी सी, और फिर मैंने और 7,000 की भैंसिया खरीद के मैंने उसका दूध बांधा, उसे दूध से फिर मैंने भी पैसा थोड़े थोड़े करके उसको लौटाया। 10,000 रुपये लेके मैंने उसको अपनी दुकान में सामान रखा, और उसकी आमदनी से फिर मैंने एक पति हमारे बोले अब परेशान होते हैं तो हमने कहा है तो बोले हमको गाड़ी ले दो, हमने उसकी बचत से उनको गाड़ी ले दी। समूह से ग्राम संगठन है और ग्राम संगठन से ब्लॉक संगठन है। तो हमारा एक जैसे एक पाइपलाइन होती है सर, जो पानी की टंकी होती है, तो पानी की टंकी भले ही बनवा करके लगा दिया जाता है, लेकिन जब तक उसमें से कनेक्शन नहीं जोड़ा जाता है तब तक हमारे घर पानी नहीं आता है। समूह नीचे से उठता है, नीचे से हम 10-12-15 बहनों को जो गरीब परिवार होते हैं इनको सबको इकट्ठा संगठित करते हैं, और फिर इनको संगठित करके ग्राम संगठन बनाते हैं। फिर उसमें से 2-2 बहन जो ब्लॉक संगठन में जाती हैं, तो हमारी ऊपर से लेकर के नीचे तक का हमारी सारी जानकारियाँ समूह तक सारी बहनों तक का पहुँच जाता है। हम लोग जैसे गांव में 1-2 महिलाएं गए तो प्रधान जी ने कहा जाओ तुम्हारी बस की नहीं है कि ये काम करना, जाओ यहाँ पे कोई काम नहीं मिलेगा तुमको, और तुम क्या काम करोगी। तो हमने जे कहा 1-2 जने गए, हमने कि ऐसा नहीं, हम पूरी 15 महिला जाएंगी, हमें जय संतोषी माँ महिला स्वयं सहायता समूह पूरी महिलाएं गए। हानी प्रधान जी आप काम दे रहे हैं, अगर आपको काम नहीं है तो इस पर साइन कर दीजिए कि हम काम नहीं दे सकते, तो जैसा हमें दिखाएगा वैसा हम करेंगे। प्रधान जी कहने लगे ठीक है हमारे इधर आए के सुमन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें काम मिल जाएगा, तुम सबका बीमा क्यों ले रही हूँ। तो हमने जे कहा प्रधान जी से नहीं प्रधान जी आप हमारा काम कर दोगे, आप हमें आप किसी चीज़ की रिश्वत दे रहे हैं, आप हमारा काम करोगे हमारी सारी बहनों का क्या होगा। हमने की ऐसी बात है प्रधान जी, तो देखो हम निडर हैं पूरी महिला हैं लेके, अब हम वीडियो के पास जा रहे हैं उनसे कहेंगे सारी जितने के जॉब कार्ड है सब प्रधान जी रखे हैं और ग्राम सेवक रखे हैं पूरे सबके जॉब कार्ड। तब उनने जे सोचा कि जे महिला तो वीडियो के पास जाएंगी तो हम तो वैसे अभी जीते अभी हम पूरा पत्ता साफ भाव या तो फिर सबसे कहने लगे बस ठीक है सुमन जी जितनी बहने हो सब जने आज जो को पानी पियावे में लग जो को कछु गड्ढा खोदियो को कछु करियो सब बहन ना काम में लगा, और भाई प्रधान जी प्याले लगा तो करो काम। ऐसे थे कि हमारे अगर कोई बाहर आ गया तो हम पर्दा डाल के अपने भीतर आ जाते, हमें कोई मतलब नहीं था कि ये कौन है। समूह से मान मिलता है, सम्मान मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, बच्चों को शिक्षा मिल रही, हम अपने एजेंडा बिंदु उठाते हैं, हम स्कूल भी जाते हैं मिड डे मील पर, हम उस पर भी चेक करते हैं। मैं एक सहारिया आदिवासी हूँ, मुझे कभी नहीं लगता था, मैं ये सोचती थी ये जंगल से लकड़ी ले जाके मेरी पूरी जिंदगी इसी में गुजर जाएगी। आज हम ना किसी से डरते हैं, पहले तो हमको यह सा डर लगता था किससे बात करें कहाँ जाएं। अब जो है समूह से किसी के खेत नहीं गिरवी रखे जा रहे हैं, किसी के जेवर नहीं गिरवी रखे जा रहे हैं, किसी के बच्चे जो हैं कि मतलब बीमारी के मारे मरने नहीं पा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, इधर से हम पैसा निकलवा करके उधर भिजवा देते हैं।